क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आरएलडी राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे आ रहे। उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बिहार दौरा, सीएम नीतीश और तेजस्वी पर ओवैसी ने साधा निशाना। तुषार के अपहरण के बाद हत्या का मामला, हत्याकांड में सीबीआई जांच की रखी मांग। मोतिहारी में युवकों ने कई घंटे हाईवे को किया जाम, हाईवे जाम होने से लोगों को हुई परेशानी। सहरसा में सीएचसी में एक्सरे टेक्नीशियन की भारी कमी, एक्सरे सुविधा हुई बाधित। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबर बिहार से है, जहां विधानसभा के बजट सत्र में तेजस्वी ने बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव ने विपक्ष पर हमला साधते हुए कहा कि लहजे में बदजुबान चेहरे में नकाब लिए फिरते हैं वो, जिनके खुद के वही खाते बिगड़े हुए हैं वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। ये एक चाल है असत्य झूठ फैलाने के लिए। ये जान रहे हैं कि कहीं टिकने वाले नहीं है और लंच ब्रेक के बाद कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा होने लगा। वही बीजेपी विधायकों ने हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के विधायक लगातार अपराध और भ्रष्टाचार पर सरकार को घेर रहे हैं और बीजेपी ने सीएम और गृह विभाग के मंत्री नीतीश कुमार से अपराध और भ्रष्टाचार पर चर्चा की मांग की है, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि अपराध होता है तो अपराधियों को तुरंत सलाखों के पीछे भेजा जाता है। वही मुख्यमंत्री से ज्यादा कोई उपलब्ध नहीं रहता, अनावश्यक चर्चा कर सदन का समय बर्बाद ना करें। चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं वो, जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। ना कोई चाल है, ना कोई चरित्र है और ना कोई चेहरा है, ना कोई नेतृत्व। ये असलियत है, केवल असत्य झूठ भ्रम लोगों में फैलाना, समाज को तोड़ना, नफरत की राजनीति करना। असली दर महोदय 24 का है। ये जान रहे ये कहीं टिकने वाले नहीं है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। इन 2 दिनों में ओवैसी सीमांचल के 4 जिले किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया को कवर करने वाले हैं। किशनगंज के कोचा धामन में ओवैसी ने सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला, तो इसके साथ ही बीजेपी और पीएम मोदी पर भी जमकर निशाना साधा है। वही ओवैसी ने अपनी पार्टी से आरजेडी में गए हैं, उन 4 विधायकों को भी पाला बदलने को लेकर आईना दिखाया है। जो एआईएमआईएम के टिकट पर जीत कर आरजेडी के साथ चले गए थे, आज भी ओवैसी सीमांचल में ही रहेंगे, जहां पदयात्राओं के साथ साथ ओवैसी जनसभा और रैली करने वाले हैं। विरासत बचाओ नमन यात्रा के अंतिम पड़ाव से पहले आरा आरएलडी राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आरा पहुंचे।
आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। वहीं निशाना साधते हुए कहा कि बिहार को बर्बादी की ओर ले जाने का काम सीएम नीतीश कर रहे हैं। फिर से बिहार में अपहरण का उद्योग फलने फूलने लगा है। नीतीश कुमार कभी पीएम के चेहरे के तौर पर देखे जा रहे थे, पर अब किस मुंह से उनके सहयोगी यूपी बंगाल आदि राज्यों में जाकर नीतीश के लिए समर्थन मांगेंगे। वहीं बिहार विधानसभा के बजट सत्र में आज भी प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठे और बीजेपी ने सदन में 12 साल के तुषार के अपहरण के बाद हत्या का मामला उठाया। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी के 10 विधायकों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, वो सदमे में है। विजय सिन्हा ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि पुलिस आरोपी को बचाने में लगी हुई है, इसलिए सरकार इसकी सीबीआई जांच कराए। खबर सहरसा से है, जहां इन दिनों एक्सरे सुविधा बंद कर दी गई है। इस सुविधा के बंद रहने से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर जब सीएचसी प्रभारी डॉक्टर अमित कुमार से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि एक्सरे टेक्नीशियन पहले से कार्यरत थे, उनका दूसरी जगह पदोन्नति हो गई, जिससे सीएचसी सौर बाजार में एक्सरे टेक्नीशियन नहीं रहने से परेशानियां बढ़ गई है। आप यहाँ पर एक्सरे करवाने के लिए आए हैं? इससे पहले भी आए थे? कितना दिन पहले आए थे? नहीं सर, हम फर्स्ट बार लिए। अच्छा, फर्स्ट बार। कहाँ से आए हैं? समदास। क्या नाम है आपका? अनिता देवी। ये बच्चे का एक्सरे करवाना है? खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबर सहरसा से है, जहां आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है और घर में आग लगने से कीमती सामान भी जलकर खाक हो गया। इस अग्निकांड में तकरीबन 2 लाख की संपत्ति भी जलकर राख हो गई है।
आई के बीच में जे छे की भले पता नहीं छे की सब नुकसान भले नुकसान में छे गाड़ी चल गेले 10 महीना भले रे गाड़ी के अनाज गेले फिर अनाज हमर जे छे अनाज क्षति भले पूरा सामान खाना के यहां में रहे करीब कते क्षति भले तो कम से कम हमरा जे छे 2 लाख के आसपास में जे छे भले गाड़ी 1,15,000 की नाम भले तो गौरव कुमार मोतिहारी में यूट्यूबर मनीष कश्यप के रिहाई को लेकर युवकों ने हाईवे को कई घंटे तक जाम किया गया और यात्रियों से दुर्व्यवहार भी किया गया। हाईवे जाम होने से कई एम्बुलेंस भी इस जाम में फंसी रही और यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। वह युवकों द्वारा मनीष कश्यप को रिहा करने की मांग की गई और बिहार सरकार मुर्दाबाद के इस दौरान जमकर नारे भी लगाए गए, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस को देखते ही हाईवे जाम में शामिल युवक भाग निकले। हम लोग मनीष कश्यप भाई के समर्थक हैं जी, और सच का साथ हम लोग देना चाहते हैं और देंगे जी। इसलिए हम लोग यहाँ पे आके जो प्रदर्शन और रोड जाम किया है मनीष कश्यप भाई को रिहा करने के लिए। सरकार से क्या मांग करते हैं? मनीष कश्यप भाई को रिहा करो। प्रदर्शन के बारे में यह कहना चाहते हैं, यहाँ पे जितने भी युवा पीढ़ी के लोग जुड़े हुए हैं, मनीष कश्यप को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। सच दिखाने वालों को आज दबाया जा रहा है, बिल्कुल जंगल राज आ चुका है बिहार में। जब से तेजस्वी यादव का सरकार बना है तब से जितने भी सच दिखाने वाले लोग हैं इन लोगों को दबाया जा रहा है और जेल भेजा जा रहा है। देखने में लग रहा है कि अब जंगल राज जो है समाप्त हो जाएगा, जुआओं का राज होगा, भ्रष्टाचारियों का समाप्ति हो जाएगा। ऐसे लोगों को समाज में जरूरत है, ऐसे जो लोग कर रहे हैं इन लोगों को सपोर्ट में हम लोगों को भी आना चाहिए, आपको भी आना चाहिए। कल आज मनीष कश्यप आया है, कल हमारी बारी हो सकती है। खबर बाढ़ से है जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने छापेमारी कर कंटेनर से लाखों की अंग्रेजी शराब को बरामद किया है। इसके साथ ही पुलिस ने छापेमारी के दौरान 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं जांच के दौरान पुलिस को कीमती सामान भी बरामद हुआ है और पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सूचना पर वरीय पदाधिकारी महोदय को सूचित किया गया लोगों को और उनों को सूचित करते हुए टीम का गठन किया और टीम का गठन करके त्वरित कार्रवाई करते हुए एक कंटेनर WB 37D 8529 और एक बोलेरो है तो उसको लेकर के जा रहा था। बोलेरो पिकअप है BR01GM 2504 दोनों को बरामद किया गया और कंटेनर में इंपीरियल ब्लू का 328 कार्टून शराब था जो कि कुल 2952 लीटर था। खबर पटना से है जहां ईंट भट्टे की चिमनी फटने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 4 महिला मजदूरों की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हो गए। इस घटना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक संवेदना व्यक्त की है। वहीं मुख्यमंत्री ने दुख की इस घड़ी में मृतक के परिजनों को धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। इसके साथ ही सीएम ने आर्थिक सहायता के लिए भी निर्देश दिया है। बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है।
हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। SKB Market.in, शॉपिंग सुकून के साथ।